ऑडियो वीडियो बता देना ऑडियो वीडियो एक बार बता दीजिएगा आज के मेन्यू में क्या क्या है ठीक है आज के मेन्यू में दो क्लोज टेस्ट है ठीक है एक तो आपके प्री वाला है इस बार का प्री का आया था उसको बारी बारी से उसको भी करवा देना है और एक आपका नॉर्मल क्लोज टेस्ट है फिर आपका पी क्यू आर एस है ठीक है फिर आपका पैसेज है और आज के मेन्यू में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ठीक है कल के मेन्यू में आपका मैं रखने वाली हूँ तो कल आ, हाँ आज इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एक चीज और याद करना आज मैंने यूट्यूब पे ना एस एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के प्री में पूछे गए सारे सेंटेंस अरेंजमेंट कर इंप्रूवमेंट करवाए थे तो एक बार देख लेना लंच के बाद ना टू स्पीड में करके एक बार देख लेना एक बार नजर दौड़ा लेना ओके Uh, आज मैंने यूट्यूब पे साढ़े ग्यारह बजे सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो इस बार के सारे सेट्स में आए थे वो करवाया था जिसने लाइव देख लिया है देख लेना और जिन्होंने नहीं देखा है आफ्टरनून में लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा जब मूड फ्रेश करना रहे तो टू एक्स स्पीड में वन पॉइंट फाइव सेवन फाइव लगा के एक बार नज़र दौड़ा लेना यू नेवर नो कहाँ से कब क्या आ जाए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके जाना है कहाँ से कैसा टाइप मींस में भी आ जाए तो देख लेना जरूर से देख लेना उसको जिसने देख लिया अच्छी बात है नहीं देखना आज, आज है, है ही कुछ है। और फ्रेजल वर्ब्स जो है ना उससे उन्होंने पूरे प्री एग्जाम में पुट वाला बहुत पूछा है ठीक है पुट वाला फ्रेजल वर्ब उनको बड़ा प्यार से पूछा है पुट ऑफ पूछा है put off वाला phrasal verb वा, मैंने जो सेट करवाया देखा उसमें put off वाला पूछा है और एक call around याद रखना call around का मतलब है पूछताछ करना uh, पूछताछ और क्या है पूछताछ छ पूछताछ करना मतलब इंक्वायर करना ये याद रखना ये भी आया है कॉल अराउंड बहुत बहुत सारे लोगों से जैसे आपको किसी मूवी के बारे में आ, या क्या करूं? कोई चीज खरीदना हो ओके कोई चीज खरीदना तो आप बहुत ज़्यादा बहुत लोगों से बहुत जगह जगह जाकर पूछताछ करते हो ना किसी चीज के बारे में पता करते हो उसको कॉल अराउंड लिख लो कहीं कॉपी में साइड में ये भी आया है कॉल अराउंड बहुत आता है ऑलरेडी जॉब में हो टाइम नहीं मिल पाता है ना शुभम कोई बात नहीं है बहुत सारे जॉब वाले बच्चे प्राइवेट जॉब वाले बच्चे जब आते हैं ना मीटअप में जब वो मुझे बताते हैं ना तो मुझे मतलब क्या तब तो मुझे ये फील होता है कि हम लोग यहाँ स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं स्क्रीन के पीछे बच्चों की बहुत स्ट्रगल है एक बच्चा है कि मैम मैंने तो छः महीने ब्रेड ऑमलेट खाया है रात को लौटता था ग्यारह बारह बजे सोचता था कि यही तो पढ़ने का टाइम है और इसमें भी मैं खाना बनाने लगूंगा तो फिर तो छूट जाएगी पढ़ाई तो मैंने सोचा कि ब्रेड ऑमलेट खा खा के कुछ ही दिनों की बात है आप मैं समझ सकती हूँ आपका स्ट्रगल जो बच्चे जॉब करते हैं जिनको जॉब वगैरह नहीं है उनके पास तो पूरा दिन टाइम है वेस्ट करने के लिए वो भी में पढ़ते हैं तो टेंशन नहीं लेना कुछ दिनों की बात है मैं गॉडेस दुर्गा से प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका स्ट्रगल को खत्म करे ठीक है और आपको अपना मन पसंद मिल जाए गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तब ता वो याद रखो आपको अपने लाइफ में स्टोरी सुनानी है ना अपने बच्चों को तो कोई तो एक स्टोरी बनाना होगा ना असली वाला मन गणत नहीं आप जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी बड़ी सक्सेस बस थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके रखना आप बोलते हो ना कि मैम ये बोलने के लिए होता है नाइन्टी परसेंट लोग जो बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचे सबके लाइफ में नाइन्टी परसेंट में मैंने देखा है कि उनके लाइफ में स्ट्रगल रहा तो आपको भी तो स्टोरी बनानी है अपने बच्चों को अपनी वाइफ को बताना है अरे मत पूछो वो भी क्या दिन थे ग्यारह ग्यारह बजे ब्रेड ऑमलेट खाता था वो भी क्या दिन थे ऐसे ऐसे करके बताना है ठीक है तो उससे डरना नहीं चलो पहला किसी किसी के पास तो कोई स्टोरी ही नहीं है बताने के लिए एटलीस्ट आप तो बताओगे ना अपनी स्टोरी वाइफ को बताना देखो आज तुम इतने अच्छे से मुझे टाइम पे खाना दे रही है एक समय था कि मैं खाना बना ही नहीं पाता अब जोमेटो और वो सबसे तो ऑर्डर नहीं करोगे ओके हेल्थ भी खराब होगा पैसे भी लगेंगे तो ब्रेड व्रेड खा लो घर का ही मतलब ब्रेड घर का नहीं होता है बट तो फिर भी कुछ करो खिचड़ी बना लो खिचड़ी बना लो खिचड़ी को ना गैस पे डाल के वो वो कैब और एक सेट बना सकते हो ज्यादा टाइम नहीं लगता है खिचड़ी बनाओ ब्रेड कोई कितने दिन खाएगा पोहा खिचड़ी मतलब कोई भी ऐसा चीज है ना जो गैस पे रख दो और बन जाए और हेल्दी भी ठीक है चलो अब इधर उधर की बातें नहीं ठीक है इधर उधर की बातें नहीं एक मिनट में रिफ्रेश कर लेती हूँ ये ये आपके प्री एग्जाम में ही आया हुआ समझ सकती हूँ विली पुलिस में हो आप चलो मैं साइड हो जा रही भूखे नहीं रहना है ठीक है चलो 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 बनाना शुरू करो अब इधर उधर की बातें नहीं कोई नहीं कमेंट बॉक्स में बात करेगा जल्दी से बनाइए इसको इस बार की प्री में आया हुआ है पहला वाला तो दोनों प्रेपोजिशन बेस्ड था ग्रामर बहुत इजी आ रहा है ग्रामर का टेंशन मत लो मेंस में भी बहुत इजी आएगा ये सबको थोड़ा ज्यादा इंप्रूव कर लेना है क्या क्लोस्टेस्ट नहीं बनता है ये नहीं सुनना है नहीं बनता है ये नहीं वर्ड तो लाइफ से हटा दो नहीं बनता है नहीं कैसे नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा नहीं वर्ड हटा दीजिए देना है पहला वाला में मुझे लग रहा है चलो ठीक है रॉन्ग हो सकता है प्रपोजिशन का है होना तो नहीं चाहिए बट कर सकते हो पहला वाला का आंसर बताना मैक्सिमम uh, बच्चे हमारे एट आंसर दे रहे हैं बट उसमें से कुछ बच्चे दोनों में कंफ्यूज है एट और इन में एट द कॉन्फ्रेंस इन द कॉन्फ्रेंस नहीं होता okay? नेक्स्ट um, वाला अच्छा जो बच्चा टू टू लगा रहा है ना आ, मतलब उसका मैं क्या करूं जो टू लगा रहा है टू के साथ टू अड्रेसेस थोड़ी होगा टू के साथ वर्ब का वी वन फॉर्म होता है मतलब जो टू लगा रहा है उसको बहुत पीटने वाला काम करना है जो फॉर लगा रहा है ना फॉर के साथ फॉर प्रेपोजिशन है आई एन जी Uh, ये भी प्रपोजिशन है आई एन जी बट ये आई एन जी दिख रहा है द प्लान रिकॉग्नाइज करता है और एड्रेस करता है कंसर्न्स को रिलेटेड एंड कंजंक्शन वी फाइव को वी फाइव यहाँ पे मेरे को लग रहा है uh, कि थोड़ा सा रॉन्ग का चांसेस हो सकता है आपका रॉन्ग के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम स्पीशीज़ की बात हो रही है ओके okay, प्रजाति कहाँ चला गया स्पीशीज वगैरह की बात हो रही है बट स्पीशीज एस्पेक्ट ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल नहीं होगा ह्यूमन सर्वाइवल स्पीशीज के इकोसिस्टम में तो स्पीशीज आ ही जाएंगे इकोसिस्टम में ओके हेल्थ एंड एंड डेवलपमेंट सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ह्यूमन ह्यूमन की बात हो रही है, और लास्ट वाला क्या मतलब फोर्थ वाला डाइवर्सिटी फिफ्थ वाला थोड़ा सोच समझ के फिफ्थ वाला करना और बताइए मैं टाइम से छोड़ दूंगी ना मेरे से बहुत ज्यादा ज्यादा आपको क्लास में रखने से आपका सेल्फ स्टडी हैम्पर हो रहा है बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ना है फोर आया है थ्री आया है टू आया है थ्री आया है फोर आया आ, देखो मेरे को ज्यादा से ज्यादा ना आपका ठीक है ह्यूमन वाला गलत होता फोर तो आ ही जाता थ्री की नहीं थी फोर आ जाना चाहिए था बट थ्री भी आया है कोई बात नहीं है प्री का नंबर प्री का था नंबर थोड़ी जुड़ेगा सिर्फ सिलेक्शन लेना बहुत दिनों बाद आया आया है आया है ना आज तो बनेगा खीर खीर बनेगा आज तो पांच वाले खीर बनाएंगे आज वन और थर्ड रॉन्ग हो गया ना मैं समझ गई आपने ह्यूमन और वो वाला रॉन्ग कर दिया होगा एट और इन कितनी बार बताया है देखो 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 कॉन्फ्रेंस तो जानते हो कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्ट जगह पे कॉन्फ्रेंस चल रहा था द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से इकतीस अंडरलाइंग लाइंग इंडिया प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवील्ड अनवील्ड का मतलब है खुलासा किया गया डिस्क्लोज किया गया इस प्लान को ठीक है प्लान को कहाँ पे डिस्क्लोज ये मीटिंग एक एग्जैक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में ये जो एक ग्लोबल ये जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम एक निश्चित जगह पर ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उस प्रोग्राम में उसको अनवील किया गया वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ठीक है ये प्लान का खुलासा किया गया तो इन नहीं करना इन द कॉन्फ्रेंस नहीं होगा एट उस जगह पे एट द कॉन्फ्रेंस ठीक है किया गया द प्लान हाँ ये तो कैसे रॉन्ग कर रहे हो अब आप आप यहाँ पे बोल रहे हो कि एड्रेसेस वर्ब है ठीक है वर्ब वर्ब का v5 फॉर्म और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के बाद वर्ब थोड़ी आता है प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और वर्ब का ing फॉर्म आता है नाउन के रूप में जीरन के रूप में यहाँ भी प्रेपोजिशन है तो अड्रेसिंग आना चाहिए ठीक है और यहाँ पे चलो टू के साथ v1 आता है बट एड्रेस v1 थोड़ी है v5 है तो यहाँ पे वर्ब चाहिए ही नहीं एंड चाहिए ठीक है एंड एंड द द प्लान ये जो प्लान है ना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान करता है एंड एड्रेस कर रहा है संबोधित कर रहा है वो सारे प्रॉब्लम्स को जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है और देखो ये वर्ड याद कर लेना पर्टेनिंग पर pertain, बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स प्रपोजिशन में आ गया दिस इज टू टू का मतलब होता है रिलेटेड टू ठीक है रिलेटेड टू ये रखना प्रॉब्लम पहले तो प्रॉब्लम प्रॉबगनाइज करता है और संबोधित कर रहा है कंसर्न्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ हमारे जीव जंतु पे क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ता है द प्लान डिटेल्स यहाँ डिटेल्स को एज अ वर्ब यूज किया है ठीक है और प्लान को एज अ नाउन किया प्लान डिटेल में डील कर रहा है ओके द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं हिंदी में हमारा एक इकोसिस्टम है ना इकोसिस्टम में मतलब हिंदी देखो क्या बोलते हैं उसको या, देखो देखो पूछ रहे हैं कि वी फाइव क्या होता है क्या लिख दिया परिस्थिति तंत्र पर्यावरण बोलते हैं हाँ हमारा जो ए, आ, समझ गए वो ना परितंत्र जो है वही है तंत्र है इको बना हुआ है ओके okay, सब ए, एक दूसरे से रिलेटेड है हमारे इको सिस्टम में हाँ जानते हो ना तो ठीक है द इम्पोर्टेंस ऑफ इको सिस्टम जो जरूरी है फूड प्रोडक्शन के लिए इको सिस्टम में पूरा बना है ना ये स्पीशीज इसको खाएगा फिर ये इसको खाएगा सब एक दूसरे से रिलेटेड है ओके फॉर फूड प्रोडक्शन हेल्थ एंड अब अब हमारे दिमाग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ सकता है इकोसिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है फूड प्रोडक्शन के लिए हेल्थ स्पीशीज के लिए फूड प्रोडक्शन हेल्थ एंड अदर अन्य एस्पेक्ट ऑफ डैश आगे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है सर्वाइवल तो आप बोलोगे ग्रुप तो नहीं है आ, ब्रीड भी नहीं है ब्रीड सर्वाइवल नहीं हो ब्रीड का मतलब होता है नस्ल अब आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम ह्यूमन कैसे हुआ क्योंकि यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की जीव जंतु की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ सकता है इकोसिस्टम में सब लोग रिलेटेड है ठीक है सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे दिया है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो सॉरी अदर एस्पेक्ट ऑफ देखो स्पीशीज सर्वाइवल यहाँ पे अदर एस्पेक्ट ऑफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इकोसिस्टम में सब लोग रिलेटेड है ठीक है ह्यूमन ह्यूमन सर्वाइवल एडिटोरियल वर्ड है तो स्पीशीज का सर्वाइवल नहीं होता डिफरेंट प्रजातियों की सर्वाइवल नहीं होगी कि और ये इकोसिस्टम में तो स्पीशीज वगैरह आ गए हेल्थ वगैरह आ गया लेकिन अदर अन्य पहलू ह्यूमन का सर्वाइवल और स्पीशीज का डेवलपमेंट नहीं कैसे ये टिके रहेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन सर्वाइवल और फिर आगे बोला इट ऑल्सो एम्फोसाइजेज ओके इट आल्सो एम्फोसाइज प्रिजर्वेशन ऑफ कहा चला गया डाइवर्सिटी जेनेटिक विविधता कॉन्फ्लिक्ट तो लड़ाई झगड़ा फोकस और रिजेक्शन नहीं हुआ डाइवर्सिटी ओके एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम सिस्टम विच इज ऑल डायरेक्ट बियरिंग ऑन आवर साइंटिफिक एडवांसमेंट ओके द प्लान अंडर स्कोर्स ऑफ थ्रेट एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ये इंक्लूड करता है स्पीशीज जिसमें इंक्लूडेड है स्पीशीज सर्वाइवल नहीं होता ह्यूमन का सर्वाइवल और आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है डेवलपमेंट वर्ड है डेवलपमेंट ह्यूमन से हेल्थ देखो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है uh, थोड़ा सा सब वर्ड याद रखोगे ना फूड प्रोडक्शन हेल्थ इकोसिस्टम में इसके थ्रू ह्यूमन भी तो अफेक्टेड है तो स्पीशीज का हेल्थ नहीं है ठीक है हेल्थ हेल्थ स्पीशीज के हेल्थ के बारे में हम नहीं बात करते है. बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ ह्यूमन सर्वाइवल ह्यूमन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पीशीज का नहीं ओके okay. और ये इंक्लूडिंग है और अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इंक्लूडिंग और ये सब में क्या डिफरेंस है गैदरिंग गैदरिंग वर्ब होता है काउंटिंग भी वर्ब होता है मिक्सिंग भी वर्ब होता है और इंक्लूडिंग क्या है बताना इंक्लूडिंग क्या है क्या है इंक्लूडिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताना इंक्लूडिंग क्या है नहीं मेरे को बताना नहीं <laughs> इसका पार्ट वेरी गुड वेरी गुड गणेश इंक्लूडिंग होता है ये प्रेपोजिशन कभी कभी आईएनजी वाले वर्ड भी प्रेपोजिशन होते हैं यार अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू में वर्ब थोड़ी लगाओगे भी है owing to है वैसे इंक्लूडिंग ओके नहीं नहीं है है जीरन नहीं होता है होता ओके okay, तो यहाँ पे ये बोल रहे ये प्लान में ये प्लान कवर कर अंडरस्कोर स्कोर का मतलब क्या होता है हाईलाइट करता है ये प्लान एम्फोसाइज कर रहा है हाईलाइट कर रहा है क्या रीहेब इम्प्रूवमेंट ऑफ थ्रेट एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ओके वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है कौन कौन से अक्वेटिक पानी वाले समुद्री कोस्टल और मेरीन इकोसिस्टम्स वाइल्ड कंजर्विंग देयर तो यहाँ पे हमें वब चाहिए ही नहीं था ओके okay, वर्ब नहीं चाहिए था ये सब वब है आई एनजी तभी होता है ना जब उसके पहले कुछ एज एम आर लगाओ और यहाँ पे हम स्पीशीज को कुछ इकट्ठा थोड़ी कर रहे हैं गेन और मिक्स थोड़ी इंक्लूड ठीक है नेक्स्ट ऑल तो प्री में भी अच्छा लेवल का मतलब प्री में भी अच्छा अच्छा टेस्ट आया है इसीलिए मैंने प्री के टेस्ट को इग्नोर नहीं किया है क्यों एक फोकस क्यों नहीं होगा आ, कहां पे फोर्थ वाला कर रहे है ना एम्फोसाइज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक जेनेटिक फोकस कहां से हो जाएगा ओके जेनेटिक विविधता डाइवर्सिटी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा जेनेटिक फोकस थोड़ी होगा फोकस ऐसा वैसे फोकस नाउन वर्ब दोनों होता है तो यहाँ पे फोकस थोड़ी कर देंगे विविधता डाइवर्स साइड हो जा रही मैं कुछ कमेंट देख रही थी मार्क्स साइड हो गई हूँ साइड अभी ना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा परेशान होकर कमेंट्स मत करो अब मुझे पूरे अक्टूबर एंड अक्टूबर एंड तक अपने आप को टाइम दो ठीक है अभी हम लोग के पास पूरा नवंबर और दिसंबर है अक्टूबर एंड के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा टाइम दीजिए ठीक है फ्रस्ट्रेटेड मत होइए और कॉमेंट्स मत करिए अच्छा सी एच अठारह नवंबर को है ना हो जाएगा तब तक आपका इंप्रूव हो जाएगा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अननेसेसरी इरिटेट होके ना और भी एग्जाम ख़राब करोगे अरे सब बच्चों को ध्यान में रखना है ना नेक्स्ट 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 कर रहे हो सबको ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए ना स्टार्ट किया जाए हाँ कुछ बच्चे जो YouTube पे आते हैं ना वो बोलते हैं कि मैम वीडियो की क्वालिटी ना 240 पे ही रखा करिए इसी पे रखा करिए मैं क्या समझाऊँ मैं ये सब थोड़ी रखती हूं YouTube मेरे कंट्रोल में नहीं है YouTube YouTube के कंट्रोल में होता है ये क्वालिटी रखी है वो क्वालिटी रखिए अरे वो YouTube की तरफ से होता है आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो आपको जो क्वालिटी है चलो पहला का आंसर बताओ पहला का आंसर बताना पहला का आंसर बताना <laughs> जो मैंने लगा रहे है ना चाइल्डहुड इज अ टाइम जब आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बचपन में किसको इतना ज्यादा पेरेंट्स ने भार दे दिया है बचपन में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है ना मैनी क्यों लगा रहे हो <mail करते हैं> मैनी नहीं होगा फ्यू होगा फ्यू हाँ बचपन में कौन आपको बचपन में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है आगे उसी मैं बोलती हूँ ना कि पहले पढ़ लो बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होता है मजे करते हैं बच्चे खेलते हैं बारिश में स्नो <play seres>. में दूसरा वाला क्या होगा दूसरा वाला If a child, जो लगा रहा है ना वो नहीं चाहता है ना कि मैं हेल्दी रहूं जो लगा रहा है चाइल्ड मतलब एक ही बच्चा है <laughs> एक ही बच्चा है तो कहां से हो ये वाला वर्ड ये जो पैसेज है ना ये ग्रामर बेस्ड पैसेज है वो क्या बेस्ड है भी नहीं नेक्स्ट <laughs> वाला बचपन में पढ़ाई का प्रेशर रहता है चाइल्डहुड में पढ़ाई का प्रेशर एबीसीडी में थोड़ी प्रेशर है फोर्थ वाला ना रीथिंक करना फोर्थ वाला रॉन्ग मत करना एएसओ का जॉब चाहिए एमई ए और वो सब चाहिए तो दो तीन बार ध्यान से देखो लगेगा कि ये दोनों हो सकता है लेकिन आगे पीछे पढ़ के कुछ ना कुछ करना है आपको लगेगा एवर क्या है ही आपको लगेगा कि थर्ड फॉर्म लगेगा मैम थर्ड फॉर्म लगेगा okay, थर्ड लगेगा ओके थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म फोर्थ वाला है ना कि लगा हुआ है तो बी के बाद भी तो थर्ड फॉर्म आता है और इज़ एम आर के बाद भी तो थर्ड फॉर्म आता है <laughs> इसके बाद भी आता है इसके बाद भी थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में लेकिन फिर भी आंसर यही होगा बताओ फिर फिफ्थ में क्या है एनीथिंग इन रिटर्न सिक्स्थ वाला नेक्स्ट सेवेंथ वाला एट नाइन्थ वाला रॉन्ग हो सकता है नाइन्थ <laughs> वाला रॉन्ग हो सकता है बच्चे ऑर्डर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं चलिए टेन में स्कोर बता देना टेन में आउट ऑफ टेन बच्चों को डिस्टर्ब किया जाता है <laughs> बच्चों को पनिश करते हैं हम लोग आज खाना नहीं मिलेगा सेवन आया है टेन आया है नाइन आया है फाइव आया टेन आया एट आया ऑर्डर वाला गलत हो गया ना बता रही हूं बता रही बच्चों को पनिश किया जाता है दस में दस भी आया है आज दस में दस वाले से आज मैं पूरा आंसर पूछने वाली हूं अगर ये ऑफलाइन क्लास होता ना ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोर्ड पे बुला लेती थी जब मुखर्जी नगर पढ़ाती थी मुखर्जी नगर पढ़ाती थी तो बच्चों को बोर्ड पे सामने बुला लेती थी चलो आज मैं नहीं समझाऊंगी आप समझाओगे कभी कभी मैंने अन अकेडमी पे भी किया है वहां पे रेज और हैंड में बच्चे पिक करते थे ओके हांड हैंड रेज और बोलती थी चलो आप इसको समझाओ हाँ चार ही बना चार नहीं आना चाहिए ये तो अच्छा वाला था अब, अब हम देख रहे हैं देख रहे हैं क्यों रॉन्ग कल मैं कल मुझे, मुझे मुखर्जी नगर की बहुत याद आ रही थी तो कल मैं बहुत दिन हो गया था तो कल मैं बजे के करीब मुखर्जी नगर गई थी गाड़ी में ही थी नीचे उतरी थी गाड़ी में ही एक बार पूरा राउंड लेके आई थी कि बहुत दिन हो गया चलो देख के आती हूँ क्या हाल चाल है याद कर रही थी आई वॉज बींग नो स्ट्रेलजिक चाइल्ड इज अ टाइम चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है ठीक है देखो देखो पहले पैसेज को पढ़ लेना है ठीक है पहले पैसेज को पढ़ लेना बोल, बोला जा रहा है ना कि चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है अब बोलोगे कि मैम कैसे पता चला चलेगा कि यहाँ पे आ, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है आगे जाके पढ़ोगे ना बच्चों को बच्चों को खाना पीना दिया जाता है बच्चों का ध्यान रखा जाता है प्यार किया जाता है जो मन चाहते हैं बच्चे कहते हैं पेरेंट्स एनीथिंग इन रिटर्न बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मैं बच्चों को थोड़ी बोला मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ तो तुम मेरा <laughs> ये काम कर देना तो बचपन एक होता है ना एकदम केयर फ्री ओके केयर फ्री है ना मन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तो किसी के बचपन में बच्चे मजे में बारिश में खेलते हैं बर्फ में खेलते हैं ठीक है तो वो है कि बच्चों का हाँ नहीं नहीं कोई मैंने मैं गाड़ी से नहीं उतरी थी चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बचपन में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होते हैं कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो कि हमारे लाइफ को डिफिकल्ट बनाए और आप लोग हाँ जो हमारे लाइफ को अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैं बचपन में वेन देर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा होगा कुछ बच्चे मैंने यही सोच के लगा रहे होंगे ना चाइल्डहुड इज अ टाइम जब हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है हमारे लाइफ को डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं डिफिकल्ट बनाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होते हैं। आगे बोल रहा है बचपन में तो मनमोजी होते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम है मोर तो लगाना नहीं मोर में कंपेरिजन नहीं हो रहा है और भी लिटिल और फ्यू और में क्या है है का मतलब बचपन में हमारे हमारे बहुत कम responsibilities होते हैं जो हमारे को बनाए ठीक इज काउंटेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लूरल बनता है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा काउंटेबल है ना तभी तो इसका प्लूरल बना है तो फ्यू फ्यू मोर वाले को कहाँ भेजना एक मुखर्जी नगर में ना एक बिल्डिंग है वही देखने में गई थी मुखर्जी नगर में नहीं मुखर्जी नगर के अप्रोचिंग है सिविल लाइन से वो बिल्डिंग एकदम हॉन्टेड है जब से मैं मुखर्जी नगर आई हूँ ना तब से वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ा हुआ है उसमें कोई केस वगैरह है चल रहा है आज तक वो बना नहीं है तो मैं उसी बिल्डिंग में उसको भेज दूंगी अंधेरा है देख के नहीं बतरा नहीं नहीं वो सिविल लाइंस मुखर्जी नगर से पहले देखा मैंने उस बिल्डिंग का वही हाल था इसमें मूवी का शूटिंग भी हो सकता है वहीं पे भेज दूंगी तो मोर मत लगाना ठीक है समझ में आ गया ना फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा बचपन में बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जो हमारी लाइफ को डिफिकल्ट बनाए अगर बच्चों के पास अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना चाइल्ड तो सिंगुलर है तो हैव मत लगाना अच्छा विल हैव क्यों नहीं होगा लाइफ को डिफिकल्ट बना ए, के लिए हमारे पास बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो कि हमारे लाइफ को डिफिकल्ट बनाए नहीं नहीं मेरे को बताओ कि आ, आ, ये कंडीशनल सेंटेंस है ना और कंडिशनल सेंटेंस के साथ फ्यूचर नहीं आता है ये हट गया और कंडीशनल सेंटेंस के साथ प्रेजेंट भी आ सकता हैज भी आ सकता है हैड भी आ सकता है बट एक पूरा जनरल बात कही जा रही है और पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है प्रेजेंट में जा रहा है तो हैड भी नहीं आया हैज होगा ठीक है पास्ट टेंस नहीं ले जाएंगे और फ्यूचर भी नहीं ले जाएंगे एक जनरल बात कही जा रही है और जनरल बातें प्रेजेंट टेंस में होती है अगर बच्चों के पास अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना तो ही इज फेड उनको खाना वगैरह मिल जाता है अपने से खाना थोड़ी बनाना है इज आफ्टर लुक मतलब उसकी देखभाल होती है और पेरेंट्स के द्वारा उसको प्यार भी किया जाता है लुकअप नहीं होगा लुकअप का मतलब तो ढूंढना हो गया ठीक है लुक एट वॉच करना ये भी नहीं होगा लुक अराउंड इधर उधर देखना लुक आफ्टर उसके देखभाल होती है बच्चों की एंड लव वट एवर ही मे डू बच्चा जो भी करता है ना बचपन में हम लोग डांटते नहीं जो भी करता है उसको प्यार ही करते हैं देखभाल करते हैं इट इज इम्प्रोबेबल That he will ever again be given so much without मतलब इतना लाइफ में शायद ही कभी इतना मिलता है जो हमें बचपन में मिल जाता है ओके बड़े होने पे नहीं मिलता है तो देखो आप बोलोगे कि मैम सबके साथ तो वीथरी लगता है तो मैंने अब मुझे बताओ कि मैंने बी को ही क्यों चुना लगता तो सबके साथ वीथरी है बताओ क्यों चुना हम्म यहाँ पे हैविंग जीर एंड डेल लगा सकते हो क्यों चुना देखो देखो विल है विल 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 मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब के साथ वी आता है ना मॉडल वर्ब के साथ आर थोड़ी आएगा मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है हैज नहीं आता है और मॉडल वर्ब के साथ इज भी नहीं आएगा बट मॉडल वर्ब के साथ ये आता है ना बी ये जो इज वॉज आर था ये बी का ही तो फॉर्म बी आई विल बी गिवन इतना इंपॉर्टेंस विदाउट हैविंग एनी थिंग टू डू इन रिटर्न इन रिटर्न पेरेंट्स के लिए बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं फिर ये बोल रहे हैं इन एडिशन इसके अलावा लाइफ इज ऑलवेज न्यू थिंग्स लाइफ हमेशा बच्चों को कुछ नया नया चीज देता है तो क्या करता है डोनेट करता है डोनेशन में लाइफ थोड़ी दे रहा है डिस्प्ले करता है मतलब शो करना है लाइफ नया नया चीज शो थोड़ी कर रहा है बच्चा है तो लाइफ हमेशा कुछ कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग चीजें गिफ्ट करता है प्रेजेंट करता है ग्रांट नहीं करता है ग्रांट करने का मतलब है मांगे जाने पे कोई चीज देना जैसे आपने आपने मुझसे छुट्टी मांगी आई ग्रांट यू लीव मांगे जाने पे परमिशन देना तो लाइफ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हमेशा प्रेजेंट करता है डिस्प्ले का मतलब है एग्जिबिट करना शो करना लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग इन ब्यूटिफुल थिंग्स टू द चाइल्ड अ चाइल्ड फाइंड्स बच्चे को बड़ा मजा आता है बारिश में दुख दर्द नहीं होता है बच्चों को बारिश में खेलकर प्रेशर नहीं होता प्लेजर होता है बारिश में बर्फ में खेलने में मजा आता है His first visit to. अच्छा मैंने तो विजिट के साथ मना किया था कि टू नहीं लगाना है नहीं लगाया जाता है जैसे मैंने लिखा ही विजिटेड टू द जू तो ये तो गलत है यहाँ तो विजिट के साथ टू नहीं आएगा यहाँ तो नहीं आएगा ही विजिटेड बट यहाँ क्यों आया यस yes, अगर विजिट वर्ब का काम कर रहा है विजिट वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ टू मत लगाना ठीक है अगर नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे विजिट नाउन है कैसे पता चला नाउन है कहां चला गया <laughs> कहा चला गया हाँ <laughs> ये देख हिस्स पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन नाउन है और नाउन है तो टू लगा देना ओके okay? लाइफ बच्चों को हमेशा कोई न्यू न्यू चीजें प्रेजेंट करता है गिफ्ट करता है ऑन नहीं होगा विजिट ऑन द सी साइड नहीं होगा अच्छा अगर वो सी साइड पे है ओके सी साइड पे कोई चीज रखा हुआ है ऑन द बीच ऑन द सी साइड या सी साइड पे चल रहा है तो अलोंग द सी साइड लगाओगे बट विजिट के साथ टू आता है एज अ नाउन विजिट एक जगह से दूसरे जगह इज अ मार्वलस एडवेंचर मजा आता है उनको समुद्र और हाँ पे जाने का तो यहाँ तक तो बच्चों के बारे में सब अच्छा अच्छा बोला है बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, नहीं है पेरेंट्स है उनकी देखभाल करने के लिए लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है बट बच्चों का अपने ही दुख दर्द है क्या दुख दर्द है बच्चे को फ्री नहीं छोड़ा जाता है टोका जाता है हमेशा ये मत करो वो मत करो ठीक है, बट बच्चों का अपने ही दुख दर्द होता है ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही अपने मन से बच्चे नहीं करते उनको हमेशा टोकते रहते हैं कंटिन्यूअली रोका जाता है कि ये मत करो वो मत करो देखो नॉट लगाए और रिस्ट्रिक्ट वर्ड अपने आप में नेगेटिव है रिस्ट्रिक्ट के साथ नॉट नहीं आता क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है

कंटिन्यूअली ऑर्डर किसी को हम नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूसली उन्हें टोका जाता है ओके okay, उन्हें बोला जाता है ये मत करो वो मत करो तो ऑर्डर का सेंस यहाँ पे नहीं आ इस कंटिन्यूअली बच्चों को ऑर्डर नहीं किया जा रहा है कि ये मत करो वो मत करो। उन्हें कंटिन्यूसली कहा जाता है नॉट टू डू थिंग्स और इज बीइंग डैश बच्चों को क्या किया जाता है <laughs> बच्चों को इज बीइंग डैश ओके okay, कंटिन्यूली कहा जाता है टोका जाता है ये मत करो वो मत करो और उन्हें क्या नहीं, पीटना नहीं है बच्चों को गलत बात है पीटना नहीं है बच्चों को पेन, पेनल्टी पेनल्टी भी नहीं करना पे, पेनल्टी का मतलब होता है ना कोई चीज आपने फाइन कोई चीज आपने टाइम से नहीं किया तो आपको पेनल्टी भरना पड़ रहा बचपन में कहा से पेनल्टी आए और बच्चों को हम डिस्टर्ब कंटिन्यूसली डिस्टर्ब थोड़ी करते हैं बच्चा हमें डिस्टर्ब करता है हम बच्चों को पनिश कर देते हैं बच्चों को या तो टोका जाता है या तो उसको पनिश किया जाता है पनिश में हमेशा पीटने ही नहीं होता है पनिश में यह भी हो सकता है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा वैसे खाना तो नहीं रोकते हैं बच्चों का मतलब पनिश पनिश में यह मत समझना कि बहुत भयंकर लेवल पनिश माइल्ड भी हो सकता है माइल्ड पनिशमेंट दिया जा सकता है रूम में बंद कर दिया दस पंद्रह मिनट के लिए रूम में बंद कर दिया ठीक है आगे बढ़े लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स प्रेजेंट के साथ टू आता है ऑलवेज नई नई चीजें बच्चों के लाइफ में आता है टॉडलर और इन्फेंट में क्या डिफरेंस है इन्फेंट इज नवजात शिशु जब उसका जन्म होता है और जब वो चलने फिरने लगता है ना ओके okay, डेढ़ साल दो साल वाले बच्चे जो चलने लगते हैं एक साल में भी बच्चा चलने लगता है एक साल के बच्चे को भी टॉडलर बोल सकते हो okay, ओके आगे बढ़ते ना इन इनके बाद तो आईएनजी आएगा कहां पे इन है बताओ कहां पे है इनके बाद अ चाइल्ड फाइंड्स प्लेजर इन यहां तो आईएनजी आया तो यहां जो आईएनजी है ये नकली वाला नाउन है और ये जो है इनके बाद असली वाला नाउन असली वाला नाउन फोर्थ में कहा चला गया अरे इनके बाद असली वाला तो नाउन भी आ सकता है ना इन लाइफ इनके बाद नाउन चाहिए या तो वो असली वाला नाउन हो या जीरण वाला ठीक है नेक्स्ट पैसेज में देख लो इन वॉट वे डज बिकम अ स्टेटस सिंबल ये ये जो है ना हल्ला हल्ला जो होता है नॉइज होता है लाउड नॉइज ये स्टेटस सिंबल का, का काम किस तरह से करता है ये देखना होगा पैसेज में कि नॉइज भी आपके स्टेटस का सिंबल बन सकता है किस तरीके से ठीक है दूसरा अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय एम्स नॉइज डज नॉट कॉज डैश नॉइज क्या चीज कॉज नहीं करता है नॉइज के बारे में लग रहा है नॉइस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर नॉइस पोल्यूशन के बारे में लग रहा है नॉइस को हम बाकी सारे पोल्यूटेंट से अलग कर सकते हैं किस मायने में चौथा रिक्रिएशनल नॉइस अच्छा अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको नहीं अभी नहीं बताऊंगी नहीं तो फिर आंसर पता चल जाएगा रिक्रिएशनल किसको बोलते हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स तो कम से कम ये पल, पता चल गया ना कि ये पैसेज पॉल्यूशन के बारे में और प्रदूषण में वाटर पॉल्यूशन होता है लैंड पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन लेकिन शायद इन्होंने पैसेज में साउंड पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन की बात की गई है अब आराम से बिना कॉमेंट किए हुए इसको पढ़िए मैं भी पढ़ू स्टार्ट डिस्प्ले का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ शो करना दिखाना किसी का एक एक का आंसर मिला ना एक का आंसर मिल गया पैसेज देख के डरना नहीं है पैसेज जितना लेंदी है क्वेश्चंस इजी होते लैंग्वेज इजी है इतना तो पता चल गया होगा कि नॉइस पॉल्यूशन और उसका इफेक्ट हम पे क्या पड़ता है एक आध आंसर यहां भी मिल गया टीवी वाला मिल गया स्टेटस सिंबल वाला चलो जल्दी से बता दो इन वॉट वे नॉइज स्टेटस सिंबल कैसे बन गया हाँ मतलब नॉइज के थ्रू हम अपना स्टेटस लोगों को दिखाते हैं किस तरह लोगों को गहरी नींद से जगा के हम अपना स्टेटस दिखाते हैं नहीं हाँ शोइंग ऑफ द लाउड वॉल्यूम ऑफ वंस टीवी टीवी का वॉल्यूम तेज करके ना हम ये दिखाते हैं कि अरे मेरे घर में टीवी है टीवी है टीवी का वॉल्यूम लेट नाइट म्यूजिकल शो कंडक्ट करके हम थोड़ी अपना स्टेटस दिखाते हैं ओके okay? टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देते दिखाने के लिए कि मेरे घर में इतना अच्छा टीवी है अच्छा ऑडियो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे एम्स के द्वारा जो सर्वे कंडक्ट किया गया है नॉइस क्या चीज है जो कॉज नहीं करता है हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट कॉज नहीं करता आई इंफेक्शन हाइपर एम्स के द्वारा एम्स के द्वारा आई इन हार्ट हार्ट दिल की धड़कने बढ़ जाती है हार्ट में हाइपर टेंशन वॉमिटिंग नोसिया ये सब होने लगता है घबराहट तो आई इन्फेक्शन नॉइस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड अदर पॉल्यूटेंट से नॉइस कैसे अलग है अदर पोल्यूटेंट से नॉइस कैसे अलग है हम इट इज प्रेवलेंट ओनली इन अर्बन एरिया ऐसा थोड़ी है कि नॉइस पोल्यूशन सिर्फ अर्बन एरिया में है आ, दिया है नॉइज पोल्यूशन रूरल में भी है अर्बन में तो थोड़ा सा बड़े पैमाने पे फैला हुआ है अरे रुको लाउड स्पीकर वगैरह से हाँ कहीं पे कहा था ये कहीं पे हाँ ये जो है ना ये पूरी तरह से अर्बन और रूरल सब एरियाज में नॉइज़ पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि गांव में नॉइज पोल्यूशन नहीं है ओके दोनों जगह है तो लेकिन थोड़ा सा बड़े पैमाने पे सिटीज और टाउन्स में ज्यादा है बट है तो रूरल एरियाज में भी तो आंसर यहाँ पे ये होगा हाँ बाकी सारे पोल्यूटेंट्स को ना हम सीरियसली लेते हैं एयर को वाटर को बट इसको तो हम एक स्मॉल इरिटेंट मानते हैं अरे नॉइस पोल्यूशन कोई पोल्यूशन थोड़ी होता है इसको इग्नोर कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं बता रही हूं कहाँ अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मैंने आपको कई बार बताया है हमारे लाइफ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चाहिए नहीं तो हमारा लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा पहले तो आंसर बताओ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होता है आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जो अलग काम करते हो ना जैसे हॉबीज पेंटिंग वगैरह आपके लाइफ में जो फेस्टिवल्स आते हैं तीज त्योहार आते हैं ये सब तो तीज त्योहार में भी नॉइज होता है तो क्या होगा वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स शादी फेस्टिवल्स रिक्रिएशनल लाउड uh, माइक लगा के ना गाना और बजाने लगेंगे जागरण वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू जो जो ट्रू नहीं है ये तो इजी लग रहा है

थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी में क्योंकि लैंग्वेज इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है ठीक है इतना पता चल गया है। देखो हाँ लैंग्वेज इजी था क्वेश्चंस भी इजी थे ऑल करेक्ट है पहले मुझे बताना है देखो ऑल दो यद्यपि लैंड पोल्यूशन सी पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को तो डिस्कस किया गया है लेकिन जो पोल्यूशन है ना जो पूरे शहर को और गांव को पूरी तरह से गांव और शहर नॉइस पोल्यूशन में डूबा गया है जिसको लेटेस्ट पोल्यूशन मांग रहे हैं इसको लीस्ट डिस्कस किया गया है बस ये तीन लाइन में यही बोला है कि एर, लैंड को डिस्कस किया गया नॉइस को नहीं डिस्कस किया गया दिस दिस मतलब ये नॉइस पोल्यूशन का दूरगामी परिणाम है किस पे हमारे इकोलॉजी पे एनवायरमेंट पे हेल्थ पे और खास करके इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में क्यों देखो अनलाइक अदर अदर पोल्यूटेंट्स की तरह लैंड पोल्यूटेंट्स लैक्स सॉरी पोल्यूशन लैक्स विजिबिलिटी नॉइज पोल्यूशन दिखता नहीं है ओके नॉइस पोल्यूशन दिखता नहीं है ना तो हम इसको एक अन इरिटेंट मान के डिसमिस कर देते बाकी सारे पोल्यूशन से नॉइज़ पोल्यूशन क्यों अलग है नॉइज़ पोल्यूशन ना दिखता नहीं है इसलिए हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और लगता है कि ये ये तो माइनर इरीटेट करने वाला चीज़ है इसको डिसमस करते हैं लेकिन है तो ये भी सीरियस फिर इन्होंने बोला है इसको हम बहुत कम खतरा मानते हैं डेटा बताता है कि नॉइस खतरा है हेल्थ के लिए ठीक है और बहुत सारे नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी आपके बॉडी में आता है आपका प्रोडक्टिविटी वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज में कम हो जाता है और ये डायरेक्टली इनका प्रोडक्टिविटी नॉइज होता है ना तो वो उनका काम करने की क्षमता कम हो जाती है ओके और खास करके उस फैक्ट्री में जहाँ हमेशा नॉइज वाला फैक्ट्री है और द फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन पहला सबसे पहला सर्वे एम्स ने किया था और एम्स ने क्या बताया इम्पेयर का मतलब है बाधित करना जो नॉइज पोल्यूशन है ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल ये दिमाग को भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी दिमाग पे भी असर पड़ता है उस वजह से हम एकदम नर्वस हो जाते हैं वोमिटिंग होने लगता है दर्द होने लगता है हाइपर हो जाता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्डियोवास्क्यूलर हार्ट एम्स के अनुसार एम्स के सर्वे के अनुसार ये सब भी होता है ठीक है और एक और स्कूल है मेडिकल चेन्नई का उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है जो एम्स ने बोला है फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में देखा गया कि वो वर्कमैन जो बहुत ज़्यादा साउंड वाले फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं इम्पेश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी झगड़ा वगैरह करते हैं उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है डिजर्ब मतलब बाधित करना स्वेलिंग tide का मतलब होता है ना तेज़ी से जिस चीज़ की लहर साउंड नॉइस पोल्यूशन फैल रहा है ठीक है दिस ट्रू ऑफ यूनिट्स इन हैवी इंडस्ट्रियल पॉकेट्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है और रिक्रिएशनल जो फेस्टिवल्स में शादी ब्याह में ये ये एक अलग ही बदसूरत पहलू है क्या ये शहर और टाउन में ये रिक्रिएशनल नॉइज़ तेजी से फैल रहा है रिक्रिएशनल नॉइज कौन सा नॉइज है जो शादी में जागरण में और म्यूजिकल प्रोग्राम्स वगैरह जो होता है दूसरों की बिना परवाह किए फुल वॉल्यूम में चला देते हैं फिफ्टी इवन एट फिफ्टी डेसीबल साउंड पर्सन को नींद से स्लम्बर का मतलब है नींद गहरी नींद से जगा सकता है एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया शो किया है कि लाउड स्पीकर्स लाउड स्पीकर जो 60 से 80 डेसिबल का है वो आपके प्यूपल प्यूपल मतलब समझ रहे हो ना प्यूपल का दो मतलब होता है एक प्यूपल का मतलब होता है सीशे स्टूडेंट और एक प्यूपल आग की पुतली को बोलते हैं पार्ट ऑफ आई आई के पार्ट को भी वो डायलेट कर सकता है कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा साउंड से आपके आई पर भी असर पड़ सकता है तो आप मुझे बोलोगे एक क्वेश्चन क्रॉस करोगे कि मैम यहां तो आपने आई वाला आई वाला तो इंफेक्शन आई आई इन्फेक्शन भी हो सकता है मतलब आई का प्यूपल डायलेट हो सकता है पुतली पे भी असर पड़ेगा लेकिन वो एम्स ने नहीं बोला ना यहाँ एम्स के बारे में बात हो रही है एम्स ने ये आँख के बारे में नहीं बोला था एम्स ने हार्ट वाला बोला था हाइपर हम एम्स के बारे में बात कर रहे दुर्गा पूजा में भी साउंड कर देते हैं हाँ ठीक है तो कंफ्यूज मत हो ना ओके okay, और ऑक्सीजन इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन उसमें से उन्हें पसीना वसीना आने पैल्पिटेशन मतलब पसीना वगैरह आना शुरू हो जाता है और जहाँ पे पतली पतली सड़कें हैं मतलब घर पास पास है वहाँ तो और भी है टीवी का सेट फुल वॉल्यूम पे चला देते हैं प्राइम टाइम में पड़ोसी डिस्टर्ब होते हैं नॉइज मेकिंग से ऐसा लग रहा है ना स्टेटस सिंबल मना लिया इलेक्शन में काम कैंपेनिंग एडवर्टीजमेंट और फुल वॉल्यूम ठीक है तो समझ में आ गया फाइव का टू होगा रुको भाई क्या मैंने गलत लिख दिया है क्या कैसे होगा फाइव का टू हमें गलत वाला स्टेटमेंट चुनना है ये तीनों सही है तो फाइव का तो वन होगा ना पेल्पटेशन तो लार्ज साउंड से होता है ओके अमन टू नहीं होगा सही है अरे मैं तो जहां पे रहती हूं ना वहां दुर्गा पूजा का कुछ पता ही नहीं चलता है कोई साउंड वाउंड नहीं है सब अपने अपने घर में पूजा कर रहे पैलपटेशन का मतलब है पसीना वगैरह आना घबराहट होना हार्ट अटैक के पहले आता है एयर और वाटर को डिस्कस किया गया है साउंड को नहीं किया गया अब मैं क्या करती हूँ एक काम मैंने और सोचा है जो मैंने पिछले साल किया था इस साल भी कर लेती हूँ कि जितना भी मैं पैसेजेस आपको ला रही हूँ ना तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वही वाला ला रही हूँ उस पैसेज पे बेस्ड एग्जाम में हर में अगर पॉसिबल नहीं होता है तो मैं अपनी टीम से अपने बैठ के क्या करवाती हूँ ना हर पैसेज में क्या करती हूँ कि इसको भी कर देती हूँ टोन और टाइटल कर डाल देती हूँ दो एक दो क्वेश्चन अपने से और एक्स्ट्रा डाल देती हूं. इस पैसेज का टोन क्या है तो हर पैसेज में आपका टोन टाइटल होते रहेगा ना तो हो मतलब हो सकता है कि आपका टोन और टाइटल वाला इशू सॉल्व हो जाएगा वैसे एग्जाम में हर पैसेज में टोन टाइटल नहीं आता बट दो क्वेश्चन अपनी तरफ से टाइटल और टोन का बना के डाल दूंगी ताकि आपका हर दिन ये टोन टाइटल प्रैक्टिस होते रहे ठीक है चलो अब बी से हो बी से तो नहीं होगा दिस इंटेलिजेंस दिस इंटेलिजेंस मतलब यह इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस मतलब किसका इंटेलिजेंस किसके इंटेलिजेंस मेड हिम इंटेलिजेंस ने उसे क्लेवर बना दिया किसे क्लेवर बनाया बी तो होगा नहीं बी तो होगा नहीं हाँ देखो, ओ, देखो 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 दिस इंटेलिजेंस तो आपको लगेगा ना कि मैं सी यहाँ पर मेन डिफरेंस अच्छा द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन पहले तो इन्होंने मैन और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया है मैन और एनिमल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि मैन को भगवान ने बुद्धि दिया है जो कि गलत तरीके से यूज करे इंटेलिजेंस दिया है, तो सी से ही होगा ना सी से ही होगा ठीक है फिर बताया है मैन को भगवान ने बुद्धि दिया है और इस इंटेलिजेंस को यूज करके मैन पावरफुल और स्ट्रांग बना है ओके okay, बाकी सारे एनिमल से मैन स्ट्रांग बन गया ठीक है और जैसे-जैसे मैन जैसे का इंटेलिजेंस बढ़ा है देखो लास्ट वाला डी होना चाहिए जैसे-जैसे मैन जैसे का इंटेलिजेंस बढ़ा है मैन का पावर भी बढ़ा है तो पहले क्या बोलेंगे मैन का इंटेलिजेंस और पावर साथ में बढ़ा है और इस इंटेलिजेंस और पावर को यूज करके मैन अपने दुश्मन से हथियार बना के दुश्मन पहले तो इंटेलिजेंस बड़ा है फिर पावर बड़ा है और इन दोनों को लास्ट वाला डी आना चाहिए लास्ट वाला डी है ओके okay. हम्म hmm. वो अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं आ, ये तो इजी लग रहा है ना ये इजी आई शुड है डबल पैसे चार्ज करने चाहिए थे बट इट डिड नॉट अकर टू मी टू मी मतलब ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं ठीक है देन तब मेरे दिमाग में आया नहीं तब मतलब कब ठीक है नाउ आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस सारे खर्च के बाद एंड गार्डनर की सैलरी के बाद मेरे को पांच सौ का प्रॉफिट हुआ तो पहले बताना होगा ना कि ये क्या चीज पे चार्ज कर रहे हैं क्या चीज का प्रॉफिट ये फूल फूल पे जैस्मिन का प्लांट्स फ्लावर किया ट्वाइस ओके ये सब चार्जेस किसके लिए है ये जैस्मिन प्लांट्स के लिए ओके ये ये जैस्मिन पौधे जैस्मिन प्लांट का ना जो कली बेचकर टेन रुपीज तो ये सब बर्ड्स बेचकर तो यही होगा पहले किसी की बात करेंगे ना किस चीज के पैसे चार्ज कर रहे हैं तो जैस्मिन प्लांट्स ने फ्लावर किया ट्वाइस और मैंने टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ कली बेचा टेन रुपीज में टेन रुपीज में बेचा मेरे को डबल चार्ज करना चाहिए था बट मेरे दिमाग में आया ही नहीं मेरे को डबल चार्ज करना चाहिए था ओके अगर अगर मैंने ट्वेंटी रुपीज चार्ज किया होता है ना बट मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलता बट अच्छा प्रॉफिट मिलता लेकिन मेरे प्रॉफिट सिर्फ पांच सौ तो इजी गॉन आर द डेस गए वो दिन गए वो दिन जब आप एक ही कंपनी में पूरा लाइफ लॉन्ग रहते थे और एक ही दोस्त बना के ऑफिस में रहते थे मेरे को दो ऑप्शन एलिमिनेट आराम से हो गया देखो ये बोल रहे हैं दिस फिनोमिन यह मेथड ये प्रोसेस यह प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस जॉब लॉन्गिबिटी बिकम्स अ फिनोमिनन ये जॉब लॉन्गिविटी एक जॉब को लंबे समय पे करना उस प्रोसेस की बात कर और दूसरा इन्होंने बोला है कि एक रिपोर्ट में एक रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट में ये पाया गया कि इम्प्लॉइज बिलो द एज ऑफ थर्टी इज जस्ट टू ईयर्स और फिर बोला है द रिसर्च रिपोर्ट द यहाँ तो बोला है कि एक रिसर्च रिपोर्ट रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट और इस यहाँ पे खास बोला है तो पहले अ आता है फिर द आता है इसका मतलब है बी के बाद ही सी आएगा एक रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट था और उस रिपोर्ट के अनुसार ये हुआ बी के बाद सी आएगा बट यहाँ सी के बाद भी यहाँ भी सी के बाद बी गया और डी और भी देख लो और दूसरा याद रखना है ना कि डी के बाद ही बी होगा जॉब लंबे समय तक जॉब करना है अब तो ये पास्ट का फिनोमिनन हो गया ओके और डी के बाद ही बी आएगा ना ओके ट फिन दिस फिन तो ये हो सही है मॉडर्न जेनरेशन का ना मॉडर्न जेनरेशन का इंप्लॉयमेंट को लेकर एटीट्यूड ही चेंज हो गया ओके दिस फिनन इन द रिसेंट ये ये किया अब गए लास्ट में बोल रहे गए वो दिन जब लंबे समय तक रहते थे इजी था अभी मैं पै अपना अपना वाला अभी ये सेट्स ना मैंने आपके मेंस शुरू होने के पहले ही बना लिया था अब दशहरा के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा सा टाइम मिलेगा तो मैं फिर अपना सेट्स वगैरह रेडी करूँगी ये तो मैंने आपके बैच शुरू होने के पहले ये सब सेट्स बना लिया दशहरा के बाद थोड़ा सा मैं फ़्री हो जाऊंगी उसके बाद फिर अपना कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस बनाऊंगी अभी सुबह पूजा हो जाता है पूजा में आपका एक घंटा लग जाता है शाम में आरती है और वो सब में टाइम लग जाता है नॉट गेटिंग टाइम उसके बाद फिर अपने से बैठ के सब बनाओ फॉर देम फॉर देम मतलब उनके लिए प्रोनाउन है किन के लिए उनके लिए तो एक मैजिक कारपेट है पहला तो ये होगा नहीं बाइक्स ऑफर देम बाइक्स उन्हें ऑफर करते हैं एक चांस इंडिपेंडेंट बनने का किसके लिए किसी के लिए बात हो रही होगी ना बच्चों के लिए किड्स के लिए हो रही है तो प्रोनाउन तो पहले आएगा ना अब बी से ही शुरू होगा बी से शुरू होगा बी में बोला ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर सो फ्रॉम एन अर्ली एज दे इमिटेट देयर पेरेंट्स आप ना अपने आप को थोड़ा सा बड़ा फील करने के लिए क्या करते हो कि पेरेंट्स की कॉपी करते हो आपके बड़े भाई बहन है उसको कॉपी करते हो तो बी से शुरू होगा

उनके लिए यह मैजिक का काम करता है क्या चीज मैजिक का काम करता है बताओ साइक, या तो साइकिलिंग मैजिक का काम करता होगा या तो उनको कहा चला गया कहा चला गया बाइक्स बाइक्स करता होगा और बाइक्स के लिए तो होगा नहीं क्योंकि बाइक्स प्लूरल है तो दिमाग में आएगा कि मैम बाइक्स के लिए लगा है तो बाइक्स तो प्लूरल है बट कभी कभी हम किसी प्लूरल के बाद बोल के बाइक्स उनको ऑफर करता है एक बाइक उसके लिए मैजिक कारगर तो बी के बाद हाँ बी के बाद क्या होगा <laughs> देखो देखो मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ कि सी के बाद आ, आप आपके दिमाग में आएगा ना आपके दिमाग में आएगा कि मैम कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम करता है कि बाइक्स तो प्लूरल है और नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए ना कभी-कभी रख के प्रोनाउन को सिंगुलर कर देते अगर ये के लिए होता के लिए होता तो सी के तुरंत बाद ए आता ना लेकिन किसी ऑप्शन में सी के बाद ही नहीं ए के बाद ही सी है ए के बाद ही सी ठीक है एक ही ए के बाद ही सी है तो बताओ कौन सा होगा बी के बाद जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि साइकिलिंग के लिए क्या होगा बता दो क्या होगा डी होगा बी के बाद ए like के बाद ए कहाँ से हो जाएगा बी के बाद ही हो बाइक्स उनको चा, बाइक्स उनको एक चांस देता है कि वो बड़ा फील करे इंडिपेंडेंट हो रहा है बाइक उनके तरह एक कारपेट के लिए उनका एक मैजिक कार् वर्जन ऑफ कार की तरह और जब वो साइकिलिंग करते हैं तो इमेजिन वाला तो लास्ट वाला सी होगा ठीक है देखो ये बड़ा छोटा सा है आ, देखती हूँ कि जो स्टूडेंट्स परफेक्ट भी हो जाते हैं ना पी क्यू आर एस में कभी कभी छोटा छोटा वाला भी आ जाता है तो वो रॉन्ग कर देते हैं लेंदी लेंदी कर लेते हैं छोटे छोटे वाले में रॉन्ग कर देते हैं। ऑल किड्स के लिए देम तो ऑल किड्स के लिए लगा है दे बाइक्स के लिए लगना चाहिए था The other, द अदर स्पोक प्री इंडिया इंडिपेंडेंस में दो तरह का न्यूज़पेपर था ठीक है दो द अदर मतलब द अदर तो प्रोनाउन है तो सी से तो खैर ऑप्शन में ही नहीं बी से स्टार्ट होगा इंडिपेंडेंस के पहले दो तरह के न्यूज़पेपर थे एक जो ब्रिटिश को वन सेट एक सेट जो ब्रिटिश को सपोर्ट करता था तो दूसरा जो इंडियंस के अन्याय हो रहा है उसके बारे में बी डी सी हाँ येट वट एवर स्प्रिंटेज प्रिंटेड वोगाउंड एंड इवन इंस्परेशन यही होगा ना बी डी सी चलो ये तो हो गया आज अच्छा एक और है कितना है अच्छा एक ही है अरे रुको अभी वन मोर वन मोर कल फ्रेजल फ्रिजल वगैरह होगा एट दिस स्पीड इस स्पीड में रॉकेट ने इतना हाइट अटेन किया इसीड मतलब कौन सा स्पीड स्पीड की बात करोगे ना कौन सा पहला तो, ये से तो होगा इत, यह, यह स्मूदली राइस किया पहले तो यह स्मूदली ऊपर गया फिर वो इतना स्पीड पकड़ यह मतलब क्या रॉकेट के लिए बात हो रही है रॉकेट वगैरह की बात हो रही है प्रोनाउन तो आएगा बी से ही शुरू होगा

आज थोड़ा सा से मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट मुझे टेंस वाला ज्यादा दिख रहा है कैपिटल है ठीक है कैपिटल एच फाइव आया सिक्स आया कल भी आपकी क्लास होगी आपके दशहरा की वन डे छुट्टी रही सैटरडे छुट्टी रही होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब ओके की होपिंग की कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे किसी के द्वारा मैं डिस्टर्ब ना हूं मैं बैठ गया मैं अपने चेयर पे टू रीड द बुक ठीक है यहां पर कॉमा होना चाहिए आई वन एज अ प्राइज तो सेंटेंस तो पास्ट टेंस में जा रहा है ठीक है तो ये तो होगा नहीं ये भी ये भी पास्ट है ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट मेरे को बताओ कि आंसर आपने करेक्ट दिया, लेकिन मुझे बताओ कि क्वेश्चन uh, में क्या गलत है क्वेश्चन में क्या गलती है आई वन भी तो पास्ट है आई वन एज अ प्राइज और आई हैड टू विन और सी इसलिए गलत है ना आई हैड टू विन का मतलब uh, ये देखो आई वन आई वन इज मैं जीता और ये भी पास्ट है आई है वर्क मुझे इस काम को करना था पास्ट में बट यहाँ पे तो ऑलरेडी जीत चुका है ना वो, तभी तो बुक उसको जीत में मिल गया है प्राइस को तभी तो वो बैठ के पढ़ रहा है तो काम हो चुका है ठीक है काम हो चुका है तो ये मत लगाना और पहले तो उसने बुक को जीता तब तो वो बैठ के पढ़ रहा है ना तो पास परफेक्ट में जाए ओके okay. जो काम पहले हुआ प्राइज जीता पहले और बाद में बैठ के पढ़ रहे अब एक चीज याद रखना है। ये जो वाला वाला सेंटेंस वाला सेंटेंस सिंपल आ, आंसर रेडी रखो आप सिंपल पास्ट भी जा सकता है और यस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट भी जा सकता है याद रखना यस्टरडे येस्टरडे वाले सेंटेंस में अगर दो एक्टिविटीज जुड़ा हुआ हो परफेक्ट तो में लगाना और जहाँ दो एक्टिविटी नहीं जुड़ा हो चलो बताओ दिमाग में आएगा आई टुक द साइकिल मैंने वो साइकिल खरीदा था ना जो जो मैं मैंने वो साइकिल लिया जो मैंने कल खरीदा था तो आप सोचोगे येस्टरडे वाला सेंटेंस तो सिंपल पास्ट में होता है तो हो सकता है कि आप नो no इम्प्रूवमेंट करके आ जाओ अगर ये वाला लाइन नहीं रहता ना ऐसा रहता आई बॉट द साइकिल टेंस में ये सब एरर कर देते हो आप लोग आई बॉट कल मैंने साइकिल खरीदा अब आप बोलोगे टाइम पे जोर डाल रहे हो तो आपने तो बोला है कि टाइम पे जब डालना तो सिंपल लगा पास्ट है यहाँ पे क्या है दो एक्टिविटी है ना मैंने आई टुक मैंने वो साइकिल को लिया और कल जो मैं खरीदा था तो यहाँ पे परफेक्ट लगाओ दैट आई हैड बॉट टेंस में आप रॉन्ग कर सकते हो इफ आई स्टूड अलोन इन डिफेंस ऑफ ट्रूथ अगर मैं सच्चाई के बचाव में अकेला खड़े हो जाऊँ और पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ भी हो जाए बट फिर भी मैं लड़ूंगा यस्टडे वाला सेंटेंस में देख लेना दो एक्टिविटी जुड़ा हुआ है पास परफेक्ट लगाना ये सेंटेंस इफ वाला सेंटेंस पास्ट भी जाता है पास जा रहा है तो हमें कोई पास्ट ही चाहिए ना ये तो फ्यूचर है और क्वेश्चन प्रेजेंट में तो ये भी नहीं हो अब दो, अब दो दो ऑप्शन आ रहा है आपके पास रुको ध्यान से सुनना क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना है आज मैंने खास करके टेंस का ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है अब आप बोलोगे कि मैम होल वर्ल्ड तो सिंगुलर है ठीक है तो वर तो नहीं होना चाहिए ना वॉज होना चाहिए वॉज बैंडेड क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड तो सिंगुलर है हम्म, हाँ। बताओ तो ये भी तो पास्ट ही है वह आना, वह आना चाहिए ना तो ये नहीं होना चाहिए ना बट फिर भी आंसर यही है क्यों ये हाँ, देखो देखो क्योंकि ये सेंटेंस इमेजिनरी है इमेजिनरी इफ इफ आई वर अ बर्ड अगर मैं बर्ड होती इमेजिनरी अगर हाँ इमेजिनरी सेंटेंसेस में ना आई हो ही हो शी हो सबके साथ वर और इन्होंने इसको पैसिव कर दिया अगर मैं सच्चाई के खिलाफ खड़ा रहूं और पूरे वर्ल्ड को मेरे खिलाफ कर दिया जाए फिर भी मैं लड़ूंगा होल्ड वर्ल्ड इज बैंडेड पूरे दुनिया को मेरे खिलाफ कर दिया जाए हम पैसिव कर सकते हैं है। है खड़ा हो जाऊ और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए कर दिया जाए तो दिस इज करेक्ट ये तो मैंने वर्ब में पढ़ाया है, पैसिव हो सकता है। दुन्य, पूरी दुनिया को आपने मेरे खिलाफ कर दी ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है ना वो वो गरीबों की मदद कर चुका है और आगे भी करेगा ये वर्ब चैप्टर के लास्ट में पढ़ाती हूँ हाँ देखो ये वाला मैंने ऐसा करवाया ही हैज हेल्प ऐसा सेंटेंस दिया था हिज 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 असिस्टेंट्स हिज असिस्टेंट्स हैव एंड यही सेंटेंस देती थी मैं ये प्रीवियस एंड आर स्टिल मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं मेरे से यूट्यूब से तो पढ़े ही होंगे वहां भी पढ़ा है अब देखो यहाँ का have auxiliary है सॉरी सॉरी यहाँ का हैव मेन है और हैव जब मेन वर्ब है ना तब वो पोजेशन बताता है बट यहाँ पोजेशन का सेंस थोड़ी जा रहा है उसके असिस्टेंट्स के पास है और वो अच्छा काम करेंगे नहीं सेंस क्या जा रहा है कि उसके असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे तो इसको ऑक्सिलरी होना चाहिए और यहाँ मेन वर्ब चाहिए सेंटेंस का मेन वर्ब ये है डूइंग बट बाद थर्ड फॉर्म चाहिए have done और आगे भी करेंगे तो आंसर ये होगा या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए असिस्टेंट हैज बीन गुड बुक्स मतलब अच्छी छवि है उनका एम्प्लॉयर के सामने और आगे भी रहेंगे मतलब नहीं रहेंगे वो अच्छी छवि में उनकी छवि अच्छी नहीं है ना आगे कभी रहेंगे हम्म ये तो पोजीशन का एरर है एडवर्ब के पोजीशन का अंडरमाइन मतलब हार्म करना नुकसान पहुंचाना एक तो सेंटेंस अच्छा पोजीशन किसका का कैरियर दिख रहा है ऑलरेडी या ऑलरेडी ऑलरेडी का अलग अलग पोजिशन यस mm, yes. जैसे ये हमने किसमें पढ़ा है ऑलरेडी ये काम हो चुका है फ्रीक्वेंसी है तो ये दो वर्ब के बीच में रखोगे ना ठीक है ये वाला आंसर होगा हैड ऑलरेडी बीन ये हमने प्रोनाउन हैड बीन ऑलरेडी अंडर माइंड नहीं नहीं बी होगा हैड ऑलरेडी बीन अंडर माइंड ओके दो ऑक्सिलरी आ गया ना दो ऑक्सिलरी आ गया ओके okay, अगर एक जैसे लिखा मैंने ही इज ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक तो यहाँ तो एक ही ऑक्सलरी तो ऑक्जेलरी और ये मेन वर्ब है इसके बीच में रखो लेकिन दो आ गया तो दोनों ऑक्जेलरी को पहले कर दो फिर इसके साथ इसके साथ रखो ये पढ़ा दिया है ओके हाँ एडवर्ब में मैंने ये पढ़ाया है और यूट्यूब uh, पे भी पढ़ाया है यूट्यूब पर पढ़ाया है अदर अदर कंट्रीज हैव इेडिकेटेड दिस डिजीज टेन ईयरस अगो Other countries हैव eradicated अब यहाँ पे दो नहीं है दस साल पहले ही इस डिजीज को हटा दिया गया है तो यहां टाइम आ रहा है ना टाइम के लिए सिंपल पास्ट और डेट के साथ तो वी वन द पुअर विलेजेस है छुट्टी कर दू ना पुअर विलेजर्स की बात हो रही है और विलेजेस तो पुरल है तो ये तो हट गया ठीक है और यहाँ पे आप बोलोगे की मैम हाँ हैव वेटेड इन द नाव है नाव का मतलब है अभी 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 भी वेट कर रहे हैं अब बोलोगे कि मैम सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में तो परफेक्ट भी तो लगा सकते हैं वेट कर चुके हैं और ये कर चुके थे ठीक है हम तो लगा सकते हैं बट नाउ वर्ड लगाया ना अभी भी वो वेट कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं If he would have tried, he would have बस खत्म करती हूँ If he would have tried, he would have succeeded. अभी मैं थोड़ा सा क्लोस्टेस्ट शुरू में ज्यादा करवा दे रही हूँ फिर एक ही क्लोस्टेस्ट रखेंगे ये तो टेंस का गोल्डन रूल है ना यहाँ परफेक्ट है ये वाला रूल तो आपने किया है एफ प्लस हैड प्लस वी थ्री और दूसरे पार्ट में वुड हैव वी हैड नथिंग टू ईट सिंस एट ओ क्लॉक दिस मॉर्निंग हाँ आठ बजे से लेकर अभी तक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है सिंस लग गया Scenes, तब से लेकर अब तक तो परफेक्ट टेंस चाहिए ये तो सिंपल पास्ट और वी के साथ हैज नहीं लगेगा ना वी के साथ तो हैव लगता है ये हट गया अब बताओ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है ये कौन सा टेंस है जरा बताना ये क्वेश्चन कौ, कौन सा टेंस कौन सा टेंस है क्वेश्चन अरे आपका आंसर सही है we have had, have के बाद है। है, है। ये had, yes, very good, very good, है, ये नहीं है, अकेला है, फिर to it, to infinitive आ गया। और जब सेंटेंस में अकेला है ना तो वो सिंपल पास्ट इसको पास्ट परफेक्ट मत सोचना पास्ट परफेक्ट तब होता है ना जब हैड के बाद वी थ्री लगा तो सिंस एन फॉर वाला सेंटेंस तो इसको नहीं लगाएंगे ना मतलब मॉर्निंग से लेकर अब तक कुछ खाने को नहीं है प्रेजेंट पर वी डिड नॉट सी हिम येट हमने उसको अभी तक इस मूवी को अभी तक नहीं देखा क्या चीज आ रहा है दिमाग में दिमाग में कुछ आ रहा है टेंस में येट वाला सेंटेंस भर भर के आता है येट का मतलब है अब तक तब से लेकर अब तक हमने इस मूवी को नहीं देखा और येट वाला सेंटेंस हमेशा Present perfect. Present perfect का मतलब है तब से लेकर उस समय से लेकर अभी तक इस मूवी को नहीं देखा भी perfect. Perfect भी नहीं simple past भी नहीं। होगा ये मेरी एक कमजोरी है कि मैं कोई भी एम्बिगस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता एम्बिगस मतलब डाउटफुल Did के साथ हैड नहीं आएगा आएगा. Did के साथ अरे नहीं होगा. ओके आई एम नॉट तो होगा नहीं आई एम नॉट टॉलरेंस मैं टॉलरेंस नहीं हूँ मैं टॉलरेंस नहीं करती इज that आई डिड नॉट बताओ और सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है न? अपने बारे में एक हैबिट बता रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज मेरी हैबिट आई डू नॉट हैव हैव आई वुड वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन अगर मुझे पता होता ना कि तुम आओगे तो मैं तो मैं तुम्हारा वेट करता वही वाला है टेंस का रूल है इफ आई हैड नोन ड प्लस वी थ्री आई हैड नोन और वुड है ओके हाँ न्यू कब लगता न्यू यहाँ पे तब लगता है ना सिंपल पास्ट यहाँ पे तब लगता जब यहाँ पे ऐसा रहता आई वुड वेट आई वुड वेट सिंपल पास्ट है और ये न्यू भी सिंपल पास्ट बट ये तो परफेक्ट है तो आप भी परफेक्ट रहता हैड नोन वाराणसी दे बस छुट्टी कर देती हूँ कल से ना मैं थोड़ा क्लोस्टेस्ट कम करूंगी बस खत्म खतम उसके फादर ना वाराणसी के लिए नहीं जाएंगे जब तक की वो आ नहीं जा रहा है तो देव अराइव मतलब क्या है, have arrived, present perfect है. Arrived में काम हो चुका है पर अभी उसके फादर जब तक नहीं आएंगे अभी फादर आए नहीं है ओके okay, और अंटिल वाला सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा नहीं ये भी फ्यूचर परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट में नहीं चाहिए और होगा सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल है बस खत्म दो, दो भी कितना है और बस खत्म दो वी हैव केप्ट इन माइंड यद्यपि हमने दिमाग में रखा तो है कि हम फैसिलिटीज को मेंटेन करेंगे बट हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत हो जाए तो थोड़ा सा बियर विथ करिएगा टॉलरेट करिएगा मतलब इनकनवीनियत हाँ, conjunction में पड़ा था लास्ट है लास्ट लास्ट अरे अब उसके बाद अब दूसरा सब्जेक्ट जाके पढ़ना ना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना आप इंग्लिश का काम हो गया आपका टेंस में आप लोग बहुत रॉन्ग करते हो टेंस में आप लोग बहुत रॉन्ग करते हो और ये वाला क्वेश्चन तो आप रॉन्ग करोगे ही किसी का आंसर मेरे को करेक्ट नहीं मिल रहा है वुड को सोच लोगे कि वुड पास्ट है वुड पास्ट है और लगा दोगे ये टेंस का यही सब क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हो वुड हमेशा पास्ट थोड़ी होता है मैंने लिखा आई वुड

ठीक है आई वुड लाइक टू गो आई टू रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि कोई भी असुविधा होती है ना थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना तो ये पास नहीं है ये ये तो तो जा 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 रहा 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 है 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 में में ही होगा नहीं दो यद्यपि हमने दिमाग में रखा है कि हम सारा फैसिलिटीज को मेंटेन करेंगे तो ये तो सही है नो इम्प्रूवमेंट वी वुड कीप नहीं होगा हम दिमाग में रखेंगे नहीं हमने रखा है हम हमसे जितना हो पड़ा है हमने दिमाग में रखा है इसलिए अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो बर्दाश्त कर लें ओके कोई जीके का टीचर आप लोग अपने स्टूडेंट ही बताएंगे ना अब आपका लास्ट मोमेंट आ गया अब अब आप जीके को डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं ना ओके अगर मेंस के स्टूडेंट हो तो जीके को तो डिटेल, जीके तो अपने प्री में पढ़ा ही होगा वही टीचर को कंटिन्यू करिए सिर्फ प्रैक्टिस करिए और बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बच्चे हैं ना वो दे रहे हैं आ, आपको सजेशन दे रहे हैं देख लीजिएगा ओके okay, कल मिलते हैं कल आपकी लास्ट क्लास होगी फिर एक दिन की छुट्टी होगी और फिर मंडे से क्लास होगी